नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में आगरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कंटेनर से पुलिस टीम को कुचलने का प्रयास करने वाले 25,000 के दो इनामी अपराधियों को एसओजी और फतेहपुर सीकरी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया है। सहायक पुलिस आयुक्त अचनेरा राजीव सिरोही ने बताया है कि पकड़े गए आरोपितों में जावेद और शाहिद निवासी नूह मेवात हरियाणा है। वे 9 मई 2021 को भरतपुर से कंटेनर में गौवंश लेकर फतेहपुर सीकरी होकर गुजर रहे थे। पुलिस ने बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू कर दी। उन्होंने कंटेनर से बैरियर तोड़ दिया और भागने लगे। घेराबंदी पर उन्होंने पुलिस पर कंटेनर चढ़ाने का भी प्रयास किया। एक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछताछ में जावेद और शाहिद के नाम प्रकाश में आए थे, तभी से इन पर यह 25,000 के इनामी थे और पुलिस को इनकी तभी से तलाश थी। आपको बता दें कि देखिए किस प्रकार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई से काम किया है। इस मौके पर मौजूद रहे निरीक्षक बलवंत सिंह प्रभारी थाना फतेहपुर सीकरी और निरीक्षक राजकुमार गिरी प्रभारी एसओजी और सचिन उप निरीक्षक प्रभारी सर्विलांस। और आपको बता दें कि उप निरीक्षक केशव सांडाल थाना फतेहपुर सीकरी, आपको बता दें उप निरीक्षक सोनू कुमार फतेहपुर सीकरी, हेड कांस्टेबल रामवीर सिंह, कांस्टेबल नीलेंद्र सिंह, कांस्टेबल बबलू शर्मा, कांस्टेबल आदेश कुमार, कांस्टेबल मनु गौतम एसओजी टीम और इसके साथ साथ कांस्टेबल पुष्पेंद्र चौधरी, कांस्टेबल रमन कुमार, कांस्टेबल विपन तोवर, कांस्टेबल रोहित कुमार सर्विलांस टीम के साथ साथ कांस्टेबल अनुपम अमन कुमार और मोहम्मद आफ्ताब फतेहपुर सीकरी ने जमकर पकड़ने में सहयोग किया। और संयुक्त कार्रवाई से देखिए किस प्रकार मुखबिर की सूचना पर सभी के सघन प्रयास से पुलिस को सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने 25,000 के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आएँ तो आप हमारी खबर को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वहीं खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज और बने रहिए खबरों के साथ। दिनांक 9/5/21 को पुलिस हमारी जयपुर रोड पर चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान एक ट्रक आया जिसको रोकने का प्रयास किया गया, तो इसमें चढ़े हुए लोग ट्रक छोड़ के भागे। पुलिस ने मौके से एक आदमी को गिरफ्तार किया। ट्रक की चेकिंग की तो उसमें अवैध रूप से पशु लदे हुए थे जिनको कब्जे में लिया गया तथा अभियुक्त तथा भागे हुए अभियुक्तों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम तथा पुलिस मुठभेड़ के अंतर्गत अभियुक्त निलंबित किया गया। इसमें से दो अभियुक्त जो थे जावेद और शाहिद उसी समय से फरार चल रहे थे। काफ़ी प्रयास किया गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसको उपरांत दोनों में 25,000 का इनाम घोषित किया गया। गो पशु इन्हीं की तलाश में आज हमारी पुलिस तथा एसओजी वेस्ट जोन प्रभारी राजकुमार, इंस्पेक्टर फतेहपुर सिंह बलवान सिंह, चौकी प्रभारी केशव, चौकी इंचार्ज कस्बा सोनू आदि पुलिस बल के साथ इनकी तलाश में थे कि मुखबिर की सूचना में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जावेद और शाहिद। कौन सी जगह ये जयपुर हाईवे पे तोहरा मोड़ के पास 13 मोड़ को।